हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं देखो कहाँ पे आ गई, पीछे देखो, इतना सुंदर एक पार्क बनाया ना, तो मैं आपके साथ शेयर नहीं करके नहीं रह पाया। कैसा हुआ हिंदी पता नहीं, जो भी है, तो मुझे तो ये शेयर करना बनता ही था। इतना सुंदर, और यहाँ पे ना चारों तरफ सीवेज का पानी जमा होता था, तो एक पॉन्ड जैसा था, बहुत गंदगी निकलते थे। ये ना है आर्मी के अंदर, तो दिल्ली कैंट में, और यहाँ पे ना वो सीवेज का पानी जमा होता था। तो इन्होंने कितना सुंदर इसका ब्यूटिफिकेशन किया, आप देखो, और बुद्धा मूर्ति भी लगाया यहाँ पे, चारों तरफ झूले, और इतना हवा दे रहा है ना, ये देखो, वेलनेस पार्क। यहाँ पे योगा सेंटर भी किया है, पता है, यहाँ पे ये देखो, इसके पीछे एक वो जो दिखाई दे रहा है आपको मंच, वहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो, यहाँ पे एक योगा सेंटर भी किया है। और कितना सुंदर ये पार्क है। मैं पहले जिस दिन आया था तो उस दिन देखा था, तो यहाँ पे इस तरह इसे बनाया गया है, और बहुत ही सुंदर लगता है यहाँ पे ये सर्दी में घूमना। और ये देखो, ये जो ट्रैक देख रहे हो ना, ये चारों तरफ से ऐसे पूरे ये ग्राउंड को कवर किया, ताकि यहाँ पे अच्छे से वर्क कर सके, मॉर्निंग या इवनिंग वाले वर्क, आप मतलब आप नहीं, यहाँ पे जो डिफेंस पर्सनल है वो कर सके। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगा। और ये देखो सामने है बुद्धा की मूर्ति, और वहाँ पे एक फुवाड़ा भी है, लेकिन वो अभी बंद है। है ना कितना सुंदर। और मैं ये बाबुल के पेड़ के नीचे खड़ी हूँ, यहाँ पे बाबुल की पेड़ ही है और कुछ है ही नहीं। जी, काम से मैं निकली हूँ, वो भी कर लेते हैं। ये देखो, यहाँ पे ऐसे ही सेट बना हुआ है, और यहाँ पे बैठने का जगह भी बना दिया। तो ये सब डिफेंस एरिया में ना, ये जो मेंटेन करता है, रोड बोलो, पार्क बोलो, ये सब बहुत ही अच्छे से मेंटेन करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो ऐसे, ये देखो एक टैंक यहाँ पे, विजय वाटिका इसका नाम। चलो दोस्तों, चलती हूँ। मेरा कैंटीन का सारे काम ख़त्म हो गया। सुबह खाना बना के निकलने में थोड़ा लेट हो गया था, तो सब कुछ करके, पूजा उजा करके, सब करके निकलना पड़ता है, तो उसमें लेट हो गया था। उसके बाद कार में पेट्रोल भी नहीं था, तो पेट्रोल भी भरवाया। उसके बाद आके यहाँ पे आधे चीज़ तो है नहीं, तो जो भी था, जो मिला है, आपको दिखाया है, वो सारे ले लिया। गाड़ी स्टार्ट ही किया था, वैसे ही मुझे याद आया कि यहाँ पे एक और कैंटीन है, तो वहाँ पे देख लेते हैं, जो मुझे नहीं मिला वहाँ पे पहले वाला कैंटीन में, यहाँ पे शायद मिल जाएगा। फिर मैं उस कैंटीन में गई, और वहाँ पे ना सिर्फ सर्फ नहीं मिला था, बाकी सब कुछ मिल गया था जो चाहिए था, और तो वो सारे ले लिया। लेने के बाद घर जा रही हूँ, और सुबह सुबह तो सारे काम कर लिया, नहा धो के, पूजा उजा करके, खाना भी बना लिया था, सिर्फ राइस नहीं बना था। तो अभी टाइम भी बहुत हो गया, 2 बज रहा है अभी, तो रिया के ऐसे ही बता के आई थी कि 1:30 बज जाए, 1:30 बजे तक अगर मैं नहीं आऊँ तो वो राइस चढ़ा दे, तो आई थिंक कि वो राइस चढ़ा देगी। मैं उसको कुछ बोला नहीं उसके बाद, कुछ मैंने उसको फ़ोन करके भी याद नहीं किया, वो कर लेती है, तो इसलिए मैं निश्चिंत हूँ। तो चलो घर जाके, उसके बाद घर लौटने में काफ़ी टाइम हो गया,
2:25 अभी हो रहा है, तो घर लौट के देख रही हूँ कि ये दोनों बच्चे खाने में बैठ गए, तो मैं भी कपड़े उपड़े छोड़ के बस ये कपड़े भी लगा दिया मशीन में धोने के लिए और खाना भी खा लिया। जब तक खाना खा रही थी, 1 घंटे में कपड़े भी धुल गया, इसे भी सुखाने दे दूँ। तो कपड़े तो सुबह धोया नहीं था, क्योंकि आके कपड़े धोने दूँ तो थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि बच्चों का नहाना नहीं हुआ था, तो उन लोगों का भी कपड़े निकलते हैं ना, तो एक साथ ही धोते हैं। तो इसीलिए अभी आके मैंने जो भी पहन के गया था उसको भी धोने के लिए डाल दिया और एक साथ सारे कपड़े धो दिया। देखो बच्चे भी यहाँ पे पार्क में बैडमिंटन खेल रहे हैं। अच्छा है, देख रिया तू भी तो ऐसे जा सकती है, चल हम यहाँ तू जाए। यहाँ पे सारे कपड़े सूखने के लिए डाल दिया, इन लोगों बच्चों को खेलने दो, मैं चलती हूँ। और यहाँ पे देखो अभी 4 बज रहा है, तो पीछे वाला बालकनी में उधर उधर ही रोद है, उधर उधर मतलब मेरे आगे की तरफ। कितने सारे पंछी का आवाज होता है ना, वो एक तोता वहाँ पे, वो देखो आगे वाला, ये देखो ये देखो उड़ के चला गया, उसमें इस जाली में चला गया उड़ के। यहाँ पे बहुत सारे तोता है। आगे ही मेरा फेवरेट वाला बालकनी में, क्योंकि यहाँ पे अभी फूलों से भरा है ना, तो यहाँ पे टहलने में भी अच्छा खासा मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैं काफ़ी देर तक अभी टहल सकती हूँ। और ये जितने भी फूल है ना, देखो कितना सुंदर लग रहा है और इसका कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये फूल तो अभी मई तक रहेगी, तो इस कुछ दिन बाद इसे छावा में कर देंगे, तो अच्छा खासा खिलते रहेंगे। ये जो फूल सूख गया ना, इसे तोड़ना है ऐसे करके, नहीं तो ये जो पिटूनिया पैंजी ये सब सीट बनाने लग जाएगा, या अगर नहीं तोड़ेंगे तो सीट बनाने लग जाएगा, तो फूल कम हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो सूख गया फूल, देखो यहाँ पे भी है, नहीं वो सूखा नहीं है, वो कली है, खिलेगा, ये सूख गया तो इसमें ना सीट बनाने लग जाएगा। अगर ऐसे तोड़ दूँ तो मई तक ये फूल खिलता रहेगा, और जब हमें सीट की ज़रूरत होगी, जब सीड्स की ज़रूरत होगी होगी तब मैंने ये सूखे फूल निकालना बंद कर दूंगी। अभी तो अच्छा खासा फूल खिल रहा है, तो ये जितना भी है ना ये सूखे वाले फूल ये सारे निकाल लेते हैं। ये देखो पिटूनिया में पेंजी में ये जो सीजन फ्लावर है ना, इसमें तो ये तो काम करना ही करना है, क्योंकि अगर अच्छे फूल आपको चाहिए और आप चाहते हो तो आपके प्लांट में पूरे फूल ही फूल भरा रहे, तो ये जो फ्लावर्स ये मुरझा जाते हैं ना खिलने के बाद, तो ये इसे निकालना चाहिए। देखो ये सब फूल मुरझा गया ना, तो ये जितने भी इस तरह का फूल है इसे निकाल देंगे इस तरीके का, ताकि हमें ढेर सारे फूल खिलता रहे। देखो जितने हम इसे तोड़ेंगे उतना फ्लावर खिलेगा। जो फूल मुरझा गया है ना सारे प्लांट से, मैं इसे निकाल लूँगी। और अभी मैं कुछ दिन पहले दिखाया था ना आपको कि मैंने फिर से योगा क्लास ज्वाइन किया, नॉर्मल हो गया था मेरा रूटीन पीरियड, लेकिन वो जो एक बार मैं वॉशरूम में गिर गई थी उसके वजह से, जब मैं उस दिन लास्ट दिन योगा करने गए थे तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था घुटनों में, तो इसलिए मैंने कुछ दिन गैप दे दिया, क्योंकि मैंने नीस का मतलब मेरा घुटनों
घुटने डॉक्टर को दिखा दूँ क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि जब भी उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है ना घुटनों के ऊपर तो उसमें पेन बढ़ता रहता है। तो इसीलिए मैंने कुछ दिन गैप दे दिया। ऐसे चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेन नहीं है, बट उसके ऊपर प्रेशर पड़ने से वो प्रॉब्लम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए।